हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर इंडियन ब्लॉगर गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग का। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह का समय हो चुका है और 7:30 बज चुके हैं। मैं अभी जाने के लिए रेडी हूँ। जो पर अभी नहा लेता हूँ, नहाने के लिए जाना है। और मम्मी जो आज बना रही है, पनीर बना रही है लंच में ले जाने के लिए। रात में लेकर आया था, आपने देखा ही है। और अब बनकर तैयार हो जाएगा पनीर। तो पनीर जो है मैं रात लेकर आया था, जब वालों से लेकर आया था, सभी लेकर आया था पनीर। तो अभी बस जो है वो मैंने छोड़ दिया है, तो रेडी होने वाला ही है वो। तो देखते हैं, वर्षा अभी सो ही रही है, यहाँ पर अखबार पड़ रहे हैं। तो फिर हम कपड़ा घर जो है कमरा साफ साफ सफाई कर रही है। तो आप सभी को ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि जो है घूमने के लगे थे सभी। तो आप वो देखना, मम्मी वर्षा जो है रूही जो है मस्ती कर रही थी, तो उसका जो है वो लोग देखने को मिलेगा कि कितनी सरल करती है वो। तो आप सभी देखना, मज़ा आने वाला है वो लोग में। बहुत ही ज़्यादा शरारत करने लगी है अब तो। और जो है डॉक्टर ने घूमने के लिए बताया है वर्षा को भी। तो जो है जब साथ में गए थे, घुमाने के लिए गई थी उसको। चलो जी, हम आज घूमने के लिए जा रहे हैं। रूही भी जा रही है शायद। देखिए रूही को, रूही हेलो करो जल्दी। कुछ खा रही है, बिजी है इसमें। तो मम्मी भी तैयार हो गई। हमने सोचा आज घूम के आएंगे। ये खास सब्जी के लिए, कल को सुबह को खास सब्जी बनेगी कोई। मम्मी ने ना, मम्मी ने बोलने का मौका नहीं दिया। तो आज शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं बाहर घूमी घूमी करने के लिए। रूही भी देखिए 5:30 हो गए हैं। 5:30 हमने सोचा घूमने चले। हाँ जी, आज हम घूमने जा रहे हैं। देखो रूही को देखिए, बुला लो सब, आ जाओ चलेंगे। चलिए तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। देखिए रूही को, वर्षा को घूमी घूमी कर रही। ओहो, खड़े होकर चढ़ जाओ। चलो चलो। राम राम से बाबू, देखो जल्दी। यहाँ पे ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन स्टार्ट हो गया। तो देखो अभी एक सारी ट्रेन चली गई है। ऐसा घूम लो, ऐसा घूम लो। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे बैठ चुके हैं, आराम से आराम कर रहे हैं, घूम कर थक गए। और रूही को देखिए, रूही वहाँ पे खड़ी हुई है। इन पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं, ये देखो। मेरे पीछे पीछे आ गई ये लड़की। पकड़ो पकड़ो रूही, पकड़ो रूही, पकड़ो। देखो ये देखो, बहुत पुराना पेड़ है ये। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें भूत बैठते हो। फिल्मों में भी ऐसे ही होता है। मम्मी वहां पे बैठी है, इसके चौंचले चल रहे हैं। कुकू। ये देखो पूरी मस्ती कर रखी इसने। मम्मी जी घर नहीं जाना क्या? चल ली मम्मी घर। चलो तो अब हम चल रहे घर पर घूमने के लिए। ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। 6 बजे है शाम के। यहाँ से ट्रेन जानी स्टार्ट हो गई है, सुबह जाती है दिल्ली से सहारनपुर। यहाँ पे ट्रेन खड़ी थी, अब जाने लगी तो इसलिए यहाँ पे ट्रेन नहीं खड़ी। अब घर की तरफ चल दिए हम। रूही को कुछ ज्यादा शरारत कर रही है ये। अकेली भागी भागी जा रही है आगे से आगे। आ जा रूही जल्दी जल्दी, माटो माटो करके।
हम आ चुके हैं घर पर घूमने के बाद और एक ही साथ में इतनी सारी मस्ती करने के बाद एक वर्षा तो अब आके थक के लेट गई ये तो आके थक के लेट गई जो है अभी आने वाली है। एक रास्ते में एक आंटी जी मिल गई थी, मम्मी जो है उनके पास में रुक गई और अब जो है शाम के खाने की जो है तैयारी करनी है। मम्मी जब आएगी मम्मी बताएगी कि शाम को क्या बनेगा खाने में। देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मैं हूँ, ये वर्षा है, ये हमारी नमकीन है और हमारी हमारी पार्टी हो रही है। और वर्षा कैसा लगा तुझे घूम के? आधे घूमे आधे नहीं, लेकिन जितने भी घूमे बहुत अच्छा लगा। और वही रोने लगी, थोड़ी सी परेशान हो गई थी इसलिए हम घर आ गए थे। फिर वो परेशानी हुई थी, हम परेशान हो गए थे। उसने तो जब कभी इधर घूमना डर ही लगा था कि कभी गिर जाए, तो सब ये बस धीरे धीरे से बाहर घुमा के लेके आएंगे डेली। शाम के खाने की जो तैयारी हो चुकी है शुरू। मम्मी जी देखिए क्या बना रही है, आलू की प्याज। आज मम्मी बनाएगी आलू की प्याज। मम्मी दिखाइए अपने मम्मी ने देखिए आंखों में जो है पानी आ रहा है प्याज छीलने के बाद। ये कई दिन पहले रखी थी तो आज मेरा फिर मन करा बना रही। मम्मी बना रही है आलू की प्याज और भैया को भी काफी पसंद है जो आलू की प्याज है। और यहाँ पर देखे इन्हें बच्चों को, इनका तो खेलना सुबह से शाम तक खेलना इनका तो यही चलता रहता है। और जो है अंधेरा हो चुका है, काफी अंधेरा हो रहा है। देखिए खाना तैयार हो चुका है वर्षा के नाम का जो है, मैं खाना लेके जा रही हूँ। देखिए मैडम जी बैठी हुई है, दोनों खाएंगे बहन? हाँ दोनों खाएंगे साथ में। हाँ चलो ठीक है, बहुत दिनों बाद खाएंगे आज हम साथ में दोनों। देखिए आलू की प्याज अच्छी बनी है देखने के तो। अच्छी तो बनेगी मैंने जो बनाई है। ये देखिए मैं पर्दे के पीछे छुप चुकी हूँ, भैया आएगा मैं उसे डराऊंगी। ये देखिए अपने प्लान में मैंने वर्षा को भी शामिल कर लिया है, भैया आने वाला है। भैया आ चुका है। ये देखिए भैया आ चुका है। ओ ये देखिए, मैंने बोला था ना हमारे भी ध्यान रखता है और उनका भी ध्यान रखता है भैया। बहुत चीज खाने के लिए पता नहीं क्या क्या, और मुझे बोलते हैं मोटी हो रही। मुझे बोलते हैं मोटी हो रही, घर में चीज लेके आएगा खाने के लिए तो मोटी कौन नहीं होगा। बनाने के लिए पनीर। ओफ तो अभी हम इसकी ओपनिंग करेंगे, देखते हैं क्या लेके आया। पहले कान्हा जी को दी जाएगी उसके बाद हम खाएंगे। देखिए मम्मी, मम्मी का लाडला बेटा मम्मी के लिए सामान लेके आया खाने के लिए। कुछ तो है पता लगा जी। जल्दी जल्दी सुबह से शाम तक मेहनत करके बेचारी की हालत। पनीर भी ले गया मैं। ये देखिए मम्मी खोल रही है, क्या लेके आया है, क्या लेके आया। भालू साई भालू जैसे रंग है भालू साई। हाँ ये देखिए भालू साई लेके आया है। भालू साई लेके आया और हम खाएंगे भालू साई। कान्हा जी ये भालू साई है, भालू साई खाओ। मम्मी दे रही है कान्हा जी को। लाइट बंद थी तो मैंने लाइट ऑन किया, अभी लाइट तो जलाना हम भूल जाते हैं इसलिए हमारे कमरे में जो है अंधेरा आपको जो दिखाई देता है। मंदिर चेंज करना पड़ेगा हमें, नवरात्रों में करेंगे, नवरात्रों में चेंज करेंगे। इसलिए शादी के बाद बोला था आपको कि शादी के बाद लाएंगे। भैया जो अपना फोन चार्ज कर रहा है तो अब आगे आपसे बात करेगा भैया। दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ, बता परेशान कर दिया उन्होंने। और मैं इनके लिए खाने के लिए तो सामान लेकर आया हूँ अभी, और सुबह को सोचा थोड़ा सा पनीर लेकर आया, पनीर की सब्जी बन जाएगी सुबह को, तो इसलिए पनीर लेकर आया हूँ। तो खाने के लिए ले आया हूँ थोड़ा सा जो है, लाते रहना चाहिए सब खुश रहते हैं। अभी जो है कान्हा जी की सेवा चल रही है, कान्हा जी के लिए जो है अभी रखे गए हैं। ये देखिए मम्मी लेकर आ गई कान्हा जी का, कान्हा जी ने तो खा लिए तो कान्हा जी के पास से आ चुके हैं। निकल गुंडा तुम ठीक पतला है, आप भी खाओ।
प्लेट में देना चाहिए, टेस्टी है बहुत ज्यादा। मम्मी प्लेट लेके आओ, मैं थोड़ा सी खाऊंगी। yes. जो ये है ये देसी घी में बने हुए है, प्योर देसी घी में प्योर देसी घी में बने हुए है। पसंद नहीं खा के देख, पसंद तो आ जाएगा। बाद में खाऊंगा, अब नहीं खा रहा हूँ। भाई वाह, अब देखे टेस्ट कैसा है। मैं क्या खा, मैं खाती नहीं। अब देखे टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। और आज मैं बना रही हूँ पनीर, और पनीर बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने इसमें तेल डाल लिया है और अब जीरा दे रही हूँ। मैं बिना तला हुआ बनाऊँगी, डालूँगी इसमें प्याज, और इसमें डालती हूँ मैं लाल मिर्च कलर वाली, और टमाटर का पेस्ट। हल्दी है, हल्दी डाल लूँ, उसमें थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाला ठीक से भूनकर तैयार हो जाएगा। हमें हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। देखिए मसाला बन गया, अभी इतना खूब अच्छी तरह नहीं पकेगा, इसमें हम अब वो कुछ नहीं डालेंगे। चम्मच नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी देर। अब मैं इतना मसाला भला तैयार होने के लिए से मैं थोड़ी देर रख दूंगी। टमाटर मसाले में ठीक से उबल जाएंगे। और ये देखिए मसाला हो चुका है, और मटर मैंने इसमें पहले से ही डाल दी थी, क्योंकि मटर में नमक के लिए फिक्की फिक्की लगती है, इसलिए मसाले में अच्छी तरह उबल जाएंगे। और अब इसमें डालती हूँ मैं एक चम्मच दही। और ये देखे मसाले बनकर तैयार हो गया है बिल्कुल एकदम, क्योंकि कढ़ाई भी छोड़ने लगा है मसाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, पहले से लिए नहीं डाला क्योंकि महक उड़ जाती है गरम मसाले की। और अब इसमें एक गिलास पानी, और ये खदकने के लिए अब मैं छोड़ दूंगी। जब ये खदक जाएगा पनीर जब डालूंगी। और फिर आपको हम दिखाएंगे बनने के बाद जब बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और ये देखिए बन के तैयार हो गया। इसमें हम डालती हूँ पनीर, पनीर डालकर मैं थोड़ी सी देर बस 5 मिनट खदकाऊंगी। ओके दोस्तों, तो मैं हो चुका हूँ रेडी और चलने के लिए तैयार। वर्षा भी उठ चुकी है और सब्जी जो बन चुकी है आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। ये सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। कितने से हरा धनिया डालना है? अच्छा, हरा धनिया डाल दिया। तो लंच में पैक करती हूँ, ये लेकर जा रहा हूँ। तो मम्मी जो है लंच कर रही है, मेरा टिफिन में रख रही है जो सब्जी। ओके तो दोस्तों, तो अभी जो है मैं नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद चलना है मुझको जॉब पर। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन आ जाएगा, उसको जरूर ऑन कर देना, क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन खुलेंगे, ऑल पर जाकर क्लिक करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरा नेक्स्ट व्लॉग का। तो तभी आप जाकर मेरा नेक्स्ट व्लॉग देख पाओगे। तो जाकर बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और फर्स्ट व्यूअर और फर्स्ट कमेंट कीजिए, जो फर्स्ट कमेंट करेगा मैं उसको रिप्लाई बैक करूंगा। तो जाइए तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए। ब्लू कलर का जो फॉलो वाला बटन है उसको दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, खुद का भी ख्याल रखिए। बाय बाय, जय बजरंगबली, जय सियाराम।